हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का क्लास 12th का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई है। परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि वो परेशान है कि उनका नंबर कम है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना मिनिमम परसेंट होना चाहिए एडमिशन लेने को लेकर के इस पटना यूनिवर्सिटी में। आपको पता है बिहार के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बट अप्लाई करने से पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि भाई एडमिशन मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा 12th में 60% है, 70% है, 80% है, 65% है। तो ये आप जानने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मैं आपको इसमें एग्जैक्टली बता दूंगा कितना आपका परसेंटेज रहेगा तो आप पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटा सा वीडियो है, सो लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। हालांकि मैंने पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो रहे हैं चाहे फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी रहे। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में रहेगा। अगर आपके मन में सवाल होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU और BHU JNU जैसे के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, अभी फिलहाल मैं बात कर लेते हैं पटना यूनिवर्सिटी। देखिए, इसके लिए इसको लेकर के जो बिहार के गवर्नर साहब है, उन्होंने 2023 में ही एक स्पेशल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो पूरा PDF है वो जारी किया गया था, और उस PDF का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप बिहार राजभवन की वेबसाइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी सीधा सीधी कहती है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम परसेंटेज आपका क्लास 12 में 45% होना चाहिए। चाहे आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे या फिर इसी का एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि अपने एडमिशन लेने के लिए एक स्पेशल टेस्ट लेती है, मतलब वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको वहां का टेस्ट देना होता है जो कि है पटना वुमेन्स कॉलेज, और वहां पे एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपको चाहिए 50%। यानी मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए कि पटना यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन के लिए कितना परसेंटेज करती है, मीन्स अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे, चाहे मगध महिला कॉलेज में लेना रहे या फिर आपको पटना कॉलेज में लेना रहे, या फिर अगर आपको पटना साइंस कॉलेज में लेना रहे, BN कॉलेज में लेना रहे, कॉलेज ऑफ इसके साथ में आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में लेना रहे, मतलब वाणिज्य में लेना रहे, कोई भी कॉलेज में आपको लेना है, मोटा मोटी जान लीजिए कि बस आपको एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितना चाहिए 45% मार्क्स। और 45% मतलब कहने का मतलब कितना होता है, 45 × 5, दैट इज अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 225। यानी अगर कम से कम आपका 12th में 500 में से अगर 225 नंबर है, टेंशन फ्री हो जाइए, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में लेना है, अगर आपको PWC में लेना है, पटना वुमेन्स कॉलेज में लेना है, तो इसके लिए कहती है कि 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल एंड BC1 BC2 कैटेगरीज के लिए, और यदि आप SC ST में आते हैं तो 45% चाहिए। और ये सब बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है उसी का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए 250 नंबर चाहिए मिनिमम, और यदि आप SC ST कैटेगरी वाले तो 225 भी रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना रहे या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहे, यहाँ पे एडमिशन नंबर के बेसिस पे नहीं बल्कि टेस्ट के बेसिस पे होता है, और ये टेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा से लिया जाता है। तो बस आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि जो 100 नंबर का टेस्ट होता है, इस 100 नंबर के टेस्ट में आपको लाना है 85+, तो फिर आपका नंबर नाम का कोई बाधा आपके लिए बनेगा नहीं, नंबर नाम का कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बस मिनिमम 225 रखो, आपका एडमिशन हो जाएगा, और बस आप इसके लिए टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो और टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ो। टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस है, इसको लेकर के कई सारे वीडियोस मैंने बनाया है, वीडियोस के लास्ट में ये सारा वीडियो मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट की तैयारी हमारे ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस के द्वारा कराया जा रहा है। अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करनी रहे तो की ऑफ सक्सेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को परचेज कर लीजिए। सक्सेस बैच 2.0 क्या है, कैसे तैयारी करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करना है, इसको लेकर के भी मैं वीडियो के लास्ट में एक वीडियो अटैच कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसी तरीके से अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए तैयारी करनी रहे तो इसके लिए बैच चल रहा है सक्सेस बैच 1.0 पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए, सक्सेस बैच 2.0 पटना यूनिवर्सिटी के लिए, और दोनों की तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। तो बस आपको क्या करना है, कोर्स के साथ जुड़ जाना है और अच्छे से पढ़ना है, और ये नंबर वगैरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है, यहां पर एडमिशन होता है आपके मेरिट के बेसिस पे, यानी जो आप टेस्ट में परफॉर्मेंस करते हैं उसके बेसिस पे। तो चाहे आपका नंबर भले क्यों ना साइंस के आप टॉपर रहे, मान लेते हैं भले आपका नंबर 490 भी हो जाए, डिडंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहां पर एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट देना है, आपका 12th का जो नंबर है वो मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है मिनिमम कितना होना चाहिए 45।
तो उम्मीद करते हैं 45% वाला जो मैटर है ये आप समझ गए होंगे, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और ये सब जो बात है मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सारा जो नोटिस है नोटिस के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी की एडमिशन को लेकर के ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली कहा गया था कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो बस आपको कितना चाहिए देख लीजिएगा, मिनिमम आपको बस आपको 45% मार्क्स आपको चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। और पटना वुमेन्स कॉलेज वाला भी बात मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बस आपको क्या होना चाहिए, बस आपका हर जगह क्या करता है 45%, देखिएगा 45% 50%, ठीक है, मींस 45 पर देखिए 50% करता है किसके लिए, जनरल कैटेगरी BC1 BC2 के लिए, और 45 किसके लिए चाहिए, SC और ST के लिए। तो पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए भी बात हो गई, पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी बात हो गई, सारी बात अपनी कंप्लीट हो गई। तो फिलहाल में इस वीडियो को भी हम लोग क्या करते हैं एंड करते हैं। सो मच, थैंक यू।